एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा शादी 19 इयर्स हो गया और मैं 9 इयर्स तक अपने मम्मी के घर पे रह रही हूँ, पापा के घर पे, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते थे, इसीलिए मैं घर पे आ गई और वहाँ जॉइंट फैमिली था। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि मेरे हस्बैंड कोई अर्निंग नहीं करते थे। पापा ने पहले, मम्मी ने बहुत हेल्प किया, उसके बाद हम एक छोटा सा शॉप ओपन किए थे, लेडीज़ टेलर या फैशन डिजाइनिंग भी बोल सकते हैं उसको। उसके कुछ दिन बाद, 6 मंथ या 8 मंथ बाद, फिर हमको इनवाइट किया गया, मेरी सासू माँ ने मुझे इनवाइट किया, तो मैंने अपना बेटा को लेके वहाँ पे अकेली गई। फिर जब मतलब फंक्शन कंप्लीट हो गया, जब हम वापस आने चाहें बेटा को, उन लोगों ने, मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड दोनों ने मतलब उनको रोक दिया गया। एक माँ को बेटा से अलग करने से जो जो फीलिंग्स आता है वो उस टाइम मेरे अंदर काम कर रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जो हमारा लड़की शाबाना दीजदार रसकर, वो बचपन से उसका बहुत इंटरेस्ट था रिश्तेदार का शादी घर में, बा कोई फ्रेंड्स का, कोई स्कूल का फंक्शन में जाती, मेकअप का काम करने बहुत इंटरेस्ट रहती है, वो करती भी थी। डॉक्टर बोला मेंटलिटी टॉर्चर जिसमें उसको नहीं लगे, इसलिए उसको वो जिसमें वो काम करने में इंटरेस्ट रहती है, उसका टैलेंटेड है, वही काम में उसको एंगेज करा दो। जो भी काम करो अपना तपस्या से, अध्ययन से, ध्यान से काम करो, कोई भी काम छोटा बड़ा दुनिया में नहीं है। तब मैंने बोले वो करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, हम ऐसा छोटा मोटा जगह से नहीं सीखेंगे। उस टाइम मेरी भाभी ने बोले ठीक है, आप अगर बड़ा ब्रांड से सीखना चाहती हो तो, मेरे भाभी हमको बोले आप लैक्मे एकेडमी से सीखो। फिर हम खुद से ही वो गूगल में सर्च करने लगे कि कोलकाता में कितने सारे ब्रांचेस हैं, कहाँ हैं। जब मतलब मैंने मेकअप में एडमिशन ले लिया तो मेकअप स्टार्ट भी हो गया, तो मैम भी सिखा रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। जब हम कंपटीशन आया, मंथली जो डेमोंस्ट्रेशन होता है, तो वो मंथली डेमोंस्ट्रेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद तुरंत बाद ही हमको फिर उसमें मतलब ट्रॉफी मिल गया, एक अचीवमेंट हमको मिला, मतलब यही मतलब ये फर्स्ट अचीवमेंट था मेरे लिए। अगर कोई ब्राइडल हम लोग मेकअप करने जाते हैं या एंगेजमेंट मेकअप कोई भी हो, मतलब वहाँ से मेकअप करने से तो कंप्लीट होता नहीं है, उनको जैसा मेकअप चाहिए वैसा हेयर भी चाहिए, उनको ड्रेपिंग भी चाहिए, नेल आर्ट भी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा ये तो कोर्स इनकम्प्लीट हो रहा है, या सिर्फ मेकअप से सीख के हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे ज़्यादा। तो उस टाइम फिर मैंने पापा को बोला मुझे पूरा कोर्स कम्प्लीट करना है। तो पापा ने भी सोचे कि हाँ, अगर पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे तो मतलब मुझे जॉब इजीली मिल जाएंगे, तो इसीलिए फिर हम लोग कॉस्मेटोलॉजी में एडमिशन ले लिए, एडवांस कॉस्मेटोलॉजी में एडमिशन लिए। कोर्स करने का मतलब साथ साथ ही हमको लैक्मे सलोन में इंटर्नशिप करने का मतलब मुझे चांस भी मिला, और मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट भी कर दिए थे, मतलब यहाँ क्लास भी करते थे और एक्स्ट्रा टाइम मैं लैक्मे सलोन में इंटर्नशिप भी कर रहे थे। और एक मतलब मेरा सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है लाइफ में वो है कि मतलब मैं कॉस्मेटोलॉजी कोर्स लैक्मे से कंप्लीट भी किया, और मुझे कंप्लीट करने के बाद ही एकदम मुझे लैक्मे सलोन में जॉब ऑफर भी मुझे मिल गया। ये मेरा लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जो 19 साल में नहीं थी, जो 19 साल में हमको ना मिला वो मुझे यहाँ से कॉस्मेटोलॉजी कोर्स करके मुझे सब कुछ मिल गया। मैं बहुत हैप्पी हूँ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है।